नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 का धमाकेदार आगाज हो चुका है। शुरुआती दिनों में ही कुछ अच्छे मुकाबले देखने को मिले हैं। भारत ने भी 18 अक्टूबर को इंग्लैंड के साथ अभ्यास मैच खेला और उसमें जीत दर्ज की। टीम ने प्रैक्टिस मैच में इंग्लैंड को जिस तरीके से हराया उसे देखकर भारतीय फैंस का दिल गदगद हो गया। साफ लग रहा है कि भारतीय खिलाड़ी लय में हैं और टीम की तैयारी सही दिशा में है। इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया के बल्लेबाजों का प्रदर्शन लाजवाब रहा था, वहीं गेंदबाजी में कुछ कमियां जरूर नजर आई थी। भुवनेश्वर कुमार लय में नहीं दिखे और खूब रन लुटाए। राहुल चहर भी प्रभावित करने में नाकामयाब रहे। बुमराह और शमी ने अपना काम बखूबी किया। आर अश्विन ने खुद को साबित किया और उन्हें काफी कम रन दिए। यानी भारतीय टीम की सही गेंदबाजों के साथ मैदान में लीग मैचों में उतरने की जरूरत होगी। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन और केएल राहुल ने शानदार पारी खेली। ईशान किशन जहां पिछले मैचों में यूएई में लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, वहीं केएल राहुल का दमदार प्रदर्शन लगातार जारी है। वो आईपीएल 2021 में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में तीसरे नंबर पर रहे और प्रैक्टिस मैच में भी अर्धशतक लगाकर अपने फॉर्म को जारी रखा। केएल राहुल का यूएई में बल्लेबाजी का रिकॉर्ड दमदार है और वो इस वर्ल्ड कप में विरोधी टीमों के लिए बड़ा खतरा है। केएल राहुल जिस तरीके से फॉर्म में है उन्हें इसका फायदा भी उठाना चाहिए और खूब रन बनाने चाहिए, जिससे कि बाद के बल्लेबाजों पर प्रेशर ना हो और वो खुलकर खेल सके और भारत ज्यादा से ज्यादा रन स्कोर बोर्ड पर टांग सके। केएल राहुल के यूएई में बल्लेबाजी रिकॉर्ड की बात करें तो ये बेहद जबरदस्त है। उन्होंने यूएई में अब तक क्रिकेट करियर के कुल 25 टी20 मुकाबले खेले और इन 24 पारियों में 1083 रन बनाए हैं। उनका औसत यूएई में 51 का रहा है और उन्होंने इस दौरान 129.23 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। यूएई में टी20 क्रिकेट में केएल राहुल का बेस्ट स्कोर नाबाद 132 रन रहा है और 25 मैचों में उनके नाम 1 शतक और 7 अर्धशतक दर्ज हैं। इन मैचों में केएल राहुल ने 85 चौके और 40 छक्के लगाए हैं। आपको बता दें, भारत को पाकिस्तान के खिलाफ पहला लीग मैच 24 अक्टूबर को खेलना है और केएल राहुल का जैसा फॉर्म है वो बाकी टीमों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।